पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया है कि बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर बिहार में काम करने का, ये बड़ा ही गौरवपूर्ण क्षण है। अपने क्षेत्र की जनता की ओर से मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि से आभार प्रकट करती हूँ। मैं अपेक्षा के बिहार की अपेक्षा के लिए काम करना, व्यक्तिगत अपेक्षा के लिए थोड़े हम बने हैं। सबसे पहला तो प्राथमिकता रहेगी कि नारी सशक्तिकरण का। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्ट देख रहे हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो गया है, 17 मंत्री कुल बनाए गए हैं जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह होना है राजभवन के अंदर। इस वक्त हम खड़े हैं राजभवन के ठीक बाहर, आप तस्वीरें भी देख सकते होंगे जहां भीतर में इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में हमने बातचीत की है जेडीयू के विधायक लेसी सिंह से, क्या कुछ कह रही हूँ जरा सुनिए। उसके बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को भी मंत्री बनाया गया, उन्होंने भी कहा है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करने के लिए नहीं बना हूँ, मैं पूरे बिहार के लिए काम करूँगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहकर हमें काम करना है, क्या कुछ कर रहे हैं दोनों जरा सुनिए। सबसे पहला तो प्राथमिकता रहेगी कि नारी सशक्तिकरण का, हमारी सरकार का भी प्राथमिकता है और हमारी भी प्राथमिकता वही रहेगी, और जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान जो हमारी एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हो रहा है उस विकास को आगे बढ़ाना। जेडीयू बीजेपी को साथ लेकर भी चलना होगा, गठबंधन को साथ लेकर चलना होगा। एकदम बढ़िया से चल रही है सरकार, जेडीयू बीजेपी और मांझी जी की पार्टी और मुकेश सहनी जी की पार्टी, चारों में कहीं से कोई तालमेल में दिक्कत नहीं है, अच्छे ढंग से चल रही है, अच्छे ढंग से आगे 5 वर्ष तक चलेगी। अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें पहले से विपक्ष कहा था कि आपसी तालमेल इन लोग में नहीं है, इसलिए देर हो रही है। देखिए विपक्ष का काम है कि विरोध करना, कोई भी बात अच्छा भी सरकार हमारी करेगी तो कहेगा कि गड़बड़ काम कर रही है, इसलिए विपक्ष का काम है कहना, हमारी सरकार का काम है कि काम करना, विकास करना। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि काम करने वाला व्यक्तित्व है, विकास करने वाला व्यक्तित्व है, बोलना कम काम करना ज़्यादा, यही हमारी सरकार का मुख्यमंत्री। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं, पहले भी 2015 में भी किए थे, उसमें भी हमने ईमानदारी से काम किया था और अभी भी जो जगह मिली है इसमें भी ईमानदारी से काम करेंगे। और 96 से मैं समता पार्टी में लगातार काम कर रही हूँ, फिर जनता दल यू हुआ और लगातार 25 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही हूँ और पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन की हूँ और पार्टी की मजबूती के लिए लगातार निरंतर काम करते रही हूँ। और मुझ जैसी साधारण परिवार की महिला को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यकर्ता को मंत्रिमंडल में, अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं, इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का मुझे ये अवसर मिला है, इससे और गर्व की बात कोई हो नहीं सकती। ये स्वाभाविक है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया है कि बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर बिहार में काम करने का, ये बड़ा ही गौरवपूर्ण क्षण है, कहीं दो मत नहीं है। वैसे तो मैं तीसरी बार काम कर रहा हूँ, तीसरी बार मंत्री बनने का गौरव प्राप्त बिहार के लोगों के द्वारा होगा, लेकिन पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी के द्वारा जो दायित्व दिया गया उसको पूरी तरह जमीन पर उतारने का प्रयास करूँगा। नहीं, जिस तरीके से बीजेपी कहती भी है कि सबको साथ लेकर चलने की बात, इस जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है इसमें देखने को मिल रहा है कि क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा गया। नहीं नहीं, स्वाभाविक है, वैसे इस पार्टी में किसी कास्ट के इश्यूज पर काम होते नहीं है, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि काम करने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर बिहार बनाने का, उन तारे स्वरूप को पूरा करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। क्या लगता है आप आने वाले समय में जो दायित्व मिलेगा अच्छे से निभाएंगे और जेडीयू को साथ लेकर भी चलना है? स्वाभाविक है, उन्हीं के नेतृत्व में काम करना है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना है, जेडीयू के नेतृत्व में काम करना है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ा दिल दिखाकर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री भी माना है, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री का इज्जत रखना और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बिहार के विकास के कार्यों को करना है। कई सारी अपेक्षाएं भी हैं लोगों की, आपसे जो आपसे लंबे समय से जुड़े हुए थे उनकी अपेक्षाओं पर काम करना है। अपेक्षा क्या, बिहार की अपेक्षा के लिए काम करना, व्यक्तिगत अपेक्षा के लिए थोड़े हम बने हैं। तो आपने दोनों की बातों को सुन लिया है, बहरहाल आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद।